जटिल दूसरों की मदद करने से फायदा हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में नई शुरुआत भी हो सकती है। आज शुरू किए गए कामों में थोड़े समय बाद आपको सफलता मिल सकती है। आमदनी बढ़ाने के नए तरीके पता चल सकते हैं। बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत का दिन है। आज की मेहनत आपको पूरा फल दे सकती है। समय गंवाए बिना अपने बिजनेस को बढ़ाने या नए सौदों के काम में जुट जाएं। नया बिजनेस भी शुरू हो सकता है। विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नेगेटिव बचत, निवेश और खर्च के मामलों में आप अचानक और तैशपूर्ण फैसले कर सकते हैं। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। जमीन जायदाद में संशोधन सुधार के कामों में सावधान रहें। भाइयों और दोस्तों का साथ नहीं मिल पाएगा। कुछ खास कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। लेन देन में झूठ के कारण नुकसान हो सकता है। क्या करें, सुहाग की फैल सामग्री माता जी के मंदिर में चढ़ाएं। लव साथी से सहयोग मिलेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। करियर अटका हुआ पैसा मिल जाएगा। कारोबार व्यवस्थित होगा। व्यापारिक यात्रा के योग बन रहे हैं। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी। वृषभ चंद्रमा आपकी राशि के लिए शुभ है। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है। आज आप दूसरों की मदद करेंगे। रिश्तों और दोस्ती को लेकर कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है। पुराने मामले सुलझाने के लिए समय सही कहा जा सकता है। दोस्त या प्रेमी के साथ संबंधों में सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप वही बात कहें जो आपका मन कहता है। आपकी लव लाइफ में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के विचारों को समर्थन मिल सकता है। रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव माता के सुख में कमी आ सकती है। खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें। कुछ लोगों के कारण आप भावनात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों से भस या अनबन जैसी स्थिति बन सकती है। आपका ध्यान भी भटक सकता है। भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा तो परेशान हो सकते हैं। क्या करें, माँ या माँ समान किसी महिला को सफेद मिठाई खिलाएं। लव नई दोस्ती या परिचय होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख मिल सकता है। शाम को घर में खुशी का वातावरण बनेगा। करियर कारोबार में व्यस्तता रहेगी। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिल सकता है। ग्लैमर से जुड़े लोगों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, पुराने रोग खत्म हो सकते हैं और सेहत में सुधार होने की संभावना है। दाएं हाथ में चोट लग सकती है, संभल कर रहे। मिथुन पॉजिटिव, वर्क प्लेस पर कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है या कोई खास बातचीत भी हो सकती है। आप कई तरह की समस्याओं से निपट लेंगे। लोग भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं। कुछ अनपेक्षित और अच्छी घटनाएं होने के योग हैं। उन पर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में खुशी मिल सकती है। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। नेगेटिव, गाड़ी बाइक आदि का उपयोग सावधानी से करें। नौकरी और सेहत के बारे में दूसरों के भरोसे ना रहे। नुकसान भी हो सकता है। आज आप हड़बड़ी में कोई काम की बात ठीक से समझ नहीं पाए। दूसरों को लेकर टेंशन हो सकती है और आप भी दुखी हो सकते हैं। नजदीकी संबंध आपके लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी हो सकते हैं। आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे समस्या बढ़ जाएगी। सावधान रहे, आपकी बेचैनी और उत्सुकता परेशानी बढ़ा सकती है। मकान या भूमि संबंधी कामकाज और खर्चे की टेंशन हो सकती है। क्या करें, मदार आंकड़े के पेड़ में पानी डालें। लव प्रेम प्रस्ताव असफल होने के योग हैं। विवाद होने की संभावना है। प्रेम का इजहार ना करें। करियर बिजनेस संबंधित कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष भी मजबूत हो सकता है। कारोबार भी बढ़ सकता है। निचले वर्ग के लोगों की मदद मिल सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिल पाएंगे। हेल्थ, थकान और आलस्य से परेशान हो सकते हैं। खुद को समय नहीं दे पाएंगे।
कर ताजे आज आपकी प्लानिंग सफल हो सकती है। आप सक्रिय रहेंगे, आज आपको कुछ लोगों और घटनाओं से जुड़े इशारे भी मिल सकते हैं। काफी समय से मन में छुपी कोई बात सामने आ सकती है। छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको कामकाज में सफलता मिल सकती है। आज आप कोई भी काम एकाग्रता से कर लेंगे। आज आप दूसरों के लिए मददगार रहे। पुराने दोस्तों के बारे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान से सुख मिलेगा। अचानक धन लाभ की भी संभावना है। नेगेटिव परिवार के कुछ खास मामले सुलझने में ज्यादा समय भी लग सकता है। दूसरों की बुराई ना करें। अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। सोच समझ कर या किसी की सलाह लेकर ही बड़ा निवेश करें। क्या करें, अशोक के पेड़ पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं। लव अविवाहित लोगों के प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। पार्टनर का मूड ठीक नहीं रहेगा। करियर बिजनेस में फायदा कुछ कम होगा। अनचाहे ट्रांसफर की खबर या ऐसे इशारे भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेल्थ, पानी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। सावधान रहे। सिंह, पॉजिटिव मकान, जमीन, जायदाद या परिवार के मामले सुलझ सकते हैं। सकारात्मक रहे और हर मामले पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार रहे। नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। कोई पार्ट टाइम काम भी शुरू हो सकता है। अटके हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। काम धंधे में भी कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। नया मोबाइल या व्हीकल भी आज आप ले सकते हैं या ऐसी योजना बन सकती है। नेगेटिव आज आप इस बात को समझें कि कोई मामला या इंसान जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। कोई बड़ा वादा या फैसला भी आज करने से बचें। आज होने वाली ज्यादातर बातचीत और सौदेबाजी में सावधान रहना होगा। कोई दोस्त ज्यादा ही स्वार्थी हो सकता है। सावधान रहे। विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। अपनी भावना या मन की बात किसी से शेयर करने में सावधान रहे। खर्चे संबंधी टेंशन भी हो सकती है। क्या करे, किसी भी मंदिर में रुई, घी और मिश्री दान दे। लवलव पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहे। उसकी भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर से आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना शेयर कर सकते हैं। करियर कार्यक्षेत्र में समय आपके फेवर में हो सकता है। बिजनेस में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इन दिनों में नए सौदे भी हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणाम देने वाला समय है। हेल्थ, सिर और पेट दर्द के कारण परेशानी हो सकती है। भोजन पर ध्यान दें। पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है। कन्या, पॉजिटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। दिन भी अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़े कई मामले दिल दिमाग पर हावी हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी जरूरत हो सकती है। पारिवारिक गलतफहमी को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ हद तक सफलता मिलने के भी योग हैं। पुराने विवाद और परेशानियां खत्म होने की संभावना है। किसी पुरानी बात को फिर से उठाना समझदारी नहीं है। खरीदारी हो सकती है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। किस्मत का साथ मिलता रहेगा। आपकी योजनाएं भी सफल हो सकती हैं। नेगेटिव, खर्चा बढ़ सकता है। कुछ लोगों से मनमुटाव हो सकता है। आज आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कामकाज में मन कम लगेगा। सावधान रहे। बातों को तोड़ना, मरोड़ना, अपने कामकाज या कही हुई बातों में जरा भी बेईमानी करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्या करें, हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा झंडा चढ़ाएं। लव जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकता है। आपके प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में नए बदलाव होने की संभावना है। करियर, या ऑफिस या दुकान खरीदने का भी मन बन सकता है। कारोबार के लिए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य है। हेल्थ, सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। थकान और आलस्य भी रहेगा। तुला, पॉजिटिव, पैसा कमाने या निवेश करने का कोई मौका भी अचानक मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखें। भाग दौड़ भी बहुत रहेगी। आसपास की यात्रा हो सकती है। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत के योग हैं।
विचार विमर्श में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। मन की बातें किसी से शेयर करने की इच्छा हो सकती है। कोई नया व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई महत्वपूर्ण और बड़ा काम भी शुरू हो सकता है। साथ काम करने वाले अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। नेगेटिव अपनी बातों पर जरूरत से ज्यादा जिद करने के कारण बेवजह किसी भस में फंस सकते हैं। कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश ना करें। क्या करें? पीले कपड़े में चावल रखें, उन पर हल्दी डालकर लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाएं। लव साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है। सावधान रहें। करियर बिजनेस संबंधित टेंशन हो सकती है। बिजनेस में कर्मचारियों से भी परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में सावधानी रखें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक पॉजिटिव भाइयों की मदद मिल सकती है। काम धंधा बढ़ाने के लिए मेहनत की है तो उसका पुरस्कार भी मिल सकता है। आज किसी समझौते पर आपकी सहमति हो सकती है जिससे आपको आने वाले दिनों में फायदा होने के योग है। आज आप कोई ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं जिससे करियर में कुछ अच्छा हो जाएगा। कामकाज बढ़ सकता है। रुके हुए कामों में थोड़ी तेजी आ सकती है। एक से ज्यादा काम एक साथ करने का मन बना सकते हैं। इनकम बढ़ सकती है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव रोजमर्रा की भागदौड़ से निश्चित तौर पर थकावट महसूस हो सकती है। अपने आक्रामक रवैये को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। आपका व्यवहार आपके ही लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। सेहत संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के मामलों में बड़ा फैसला लेने और कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है। पैसों के बारे में किसी के साथ बात करनी ही हो तो इस मामले में सावधान रहें। नेगेटिव रिस्पांस भी मिल सकता है। क्या करें? काले कपड़े में कोयला रखकर खुद पर से 7 बार घुमाकर नदी या तालाब में डाल दें। लव जीवन साथी से सम्मान मिल सकता है। अविवाहित प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। करियर दोस्तों और कुछ खास लोगों से बिजनेस में मदद मिल सकती है। कारोबार के मामले में भी दिन ठीक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के चांस बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। समय भी थोड़ा अनुकूल रहेगा। हेल्थ गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। भोजन पर ध्यान दें, परहेज भी करें। धनु पॉजिटिव नजदीकी दोस्तों और प्रेमी जनों की मदद मिल सकती है। किसी बुजुर्ग से सलाह लेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। उत्सुकता के कारण नई बात सीख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद रहेगी। किसी भी खास काम के नतीजे के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। समय का इंतजार करने में ही भलाई है। अपने काम पर ध्यान दें। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नेगेटिव बिजनेस करने वाले लोगों की इनकम में भी कमी आ सकती है। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, आपके काम बिगड़ सकते हैं। नए संबंध शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। नए लोगों से बातचीत टाल दें। परेशानियां वाला दिन हो सकता है। चंद्रमा के कारण तनाव और कुछ कामों में आप असफल भी हो सकते हैं। किसी खास काम को पूरा होने में एक्स्ट्रा समय लग सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। आज आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। आपके साथ कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। आज आप खुद के साथ आसपास वालों का मूड भी खराब कर सकते हैं। क्या करें? शनिदेव को तिल चढ़ाएं। लव दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ सकता है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है और अनुकूल नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। करियर अधिकारी आपकी बातों से सहमत हो सकते हैं। आपके कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस बढ़ाने की कोशिशों में आप सफल रहेंगे। स्टूडेंट्स का मन भी पढ़ाई में लगेगा। हेल्थ थकान और नींद की कमी हो सकती है। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मकर पॉजिटिव अचानक धन लाभ के योग है। कोई भी बड़ा फैसला करने के पहले सोचें और किसी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। जीवन शैली में थोड़ा सुधार हो सकता है।
अपने पक्ष में कोई सफाई देनी हो तो भी उतनी ही बात करें जितनी जरूरी हो। खुद को शांत रखें और ठंडे दिमाग से उस पर विचार करें। कामकाज में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कुछ पुराने दोस्त भी आज आपको मिल सकते हैं। विवाह प्रस्ताव मिलने के योग है। प्रेम विवाह संबंधी उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। नेगेटिव दूसरों की बात मानने के लिए आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ सकती है। किसी दोस्त या साथी की कोई कड़वी बात भी आपको बुरी लग सकती है। एकदम कोई बड़ा काम शुरू करने से भी आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। कोई काम अधूरा भी छोड़ सकते हैं। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। क्या करे गाय को रोटी दे। लवंकर राशि वाले लोग विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पार्टनर आपकी इच्छाएं भी पूरी करेगा। करियर फालतू विवादों से बचने की कोशिश करें। कारोबार में खर्चों पर कंट्रोल करें। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को टेंशन और निराशा हो सकती है। हेल्थ अगले और मुंह के रोग हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें। कुंभ जैसे कुछ खास मामले आप आज निपटा सकते हैं। अपने नजदीकी दोस्तों से सलाह करने पर आपको फायदा हो सकता है। दिन भी अच्छे से निकल जाएगा। लगभग हर मामले में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होगा। इससे आपके ज्यादातर काम समय से पूरे हो जाएंगे। प्रेमी से मिलने की इच्छा रहेगी। किसी भी काम और फैसले को लेकर संकोच नहीं करेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। नेगेटिव छोटी छोटी बातों की परवाह ना करें। बड़े निवेश के ऑफर टालना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। विपरीत लिंग वाले लोगों पर कुछ ज्यादा ही पैसा खर्चा हो सकता है। करियर भविष्य और टारगेट को लेकर टेंशन हो सकती है। आज कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। लापरवाही या संकोच में आकर करियर से जुड़ा अच्छा मौका गंवा सकते हैं। किसी के लिए गलतफहमी भी हो सकती है। अपनी इज्जत बचाने या प्रभाव जमाने के लिए आप बड़ा झूठ बोल सकते हैं। क्या करें हनुमान मंदिर में सिंदूर दान दें। लव वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है। प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा हो सकता है। करियर बेकार के कामों में समय गंवा सकते हैं। बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे मिलने के योग है। नए बिजनेस और नौकरी के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत के बाद अच्छी सफलता मिल पाएगी। समय भी अनुकूल हो सकता है। हेल्थ सर दर्द और कफ रोग हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें। मीन पॉजिटिव निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार में सुधार करना पड़ सकता है। इनकम बढ़ने के योग है। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। अचानक यात्रा होने की संभावना है। कामकाज में सफलता मिल सकती है। ऑफिस या फील्ड में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ बात करें। भाई बहनों की मदद भी मिल सकती है। नेगेटिव खास लोगों के प्रति अपने व्यवहार में थोड़े सावधान रहें। नकारात्मक सोच आप पर भारी हो सकती है। दूसरों के साथ आपकी पटरी कम ही बैठ सकेगी। किसी से कोई अपेक्षा ना करें। भावुकता के कारण परेशानी बढ़ सकती है। घर परिवार में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनने के योग है। भावुक होकर कोई कदम ना उठाएं। आप अचानक आक्रामक भी हो सकते हैं। गलतफहमी के भी आसार बन रहे हैं। कोई बनी बनाई बात आपकी ही गलती से बिगड़ सकती है। क्या करें गेहूं या किसी भी प्रकार के अनाज का दान दें। लव प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी की मदद और प्यार भी मिलेगा। किसी बात को लेकर आज आप दुखी हो सकते हैं। करियर बिजनेस में विवादों का निपटारा हो सकता है और आपको फायदा भी होगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके फेवर में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय है। हेल्थ सेहत में उतार चढ़ाव के योग हैं। भोजन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो सकती है।